और आप मुझे बोल रहे तुम जाओ भाई, कहाँ जाने का, कौन से अधिकारी के पास जाने का, जाओ हम कोर्ट से बुलाते और हम जा रहे, हमारे को कोई वापस भेज दे रहे। इनका नाम इतना बड़ा है, इनके पैसे पहचान इनकी इतनी है कि हमको कोई पूछ रहा नहीं, करके हम आज यहाँ पर उनके स्कूल के सामने उपोषण को बैठ गए हमारे पैसों के वास्ते। मैं एक साल से रिक्वेस्ट करते आ रहा और मैं सब अधिकारियों के पास भी जाता लेकिन मेरा कोई लेता नहीं साहब। पुलिस को कंप्लेन करे आपने? पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया साहब मैंने, लेकिन पुलिस स्टेशन से भी हमारी कंप्लेन लिए, मैडम से बात करे और हमको वहां से वापस कर दिए। हमने तो बोले हमसे अगर कुछ गलती हुई होगी मैडम तो हमको माफ कर दो, हम माफी भी मांग रहे। उनके शौहर के पास भी गए, शौहर बोल रहे कि हमारे पास नहीं, मैडम के तरफ है। आगे ये कदम है मैं यही बैठता सर, यही बैठूंगा मेरे जब तक पैसे नहीं मिले, और वैसा भी मैं बहुत परेशान हो गया और कर्जा भी हो गया, जब तक पैसे नहीं मिले यही बैठूंगा और यहाँ से जाने वाला नहीं है मैं। आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम शेख मतीन शेख कादर। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? पेमेंट उन्होंने जितना काम किया हम लोगों ने उतना पूरा पेमेंट को कर दिया है, हमारे पास कोई उनका पेमेंट पेंडिंग नहीं है। हम लोगों ने कोर्ट में भी केस दाखिल किए कि ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं हमारे लोगों, अभी ये बाहर आके पेमेंट मांगना, पुलिस को कंप्लेन करना, धमकी भरे पत्र देना, मैं आत्महत्या करूंगा, ये करूंगा, तो ये सब चाल है सर ब्लैकमेलिंग की, तो हम लोग नहीं कर सकते सर इसमें, हम लोग उनको पेमेंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। आज आप यहाँ उपोषण पर बैठे हैं, क्या आपकी मांगनी है? हमारी मांगनी ये है सर कि हमने जो है यह काम करे, स्टेपिंग स्टोन इंग्लिश स्कूल का काम करे फेब्रिकेशन का, और हमारे 13.5 लाख रुपए इनके तरफ बाकी है और 4-1 लाख रुपए का बचे हुआ मटेरियल बाकी है। ये हमको कुछ दे रहे नहीं, एक साल से परेशान कर दिए, इधर क्रांति चौक के ऑफिस पे बुलाते, वहां से फिर यहाँ बुलाते, यहाँ से वहां बुलाते, ऐसी चक्रा मारते, और आप मुझे बोल रहे तुम जाओ कहीं, कहाँ जाने का, कौन से अधिकारी के पास जाने का, जाओ हम कोर्ट से बुलाते और हम जा रहे, हमारे को कोई वापस भेज दे रहे। इनका नाम इतना बड़ा है, इनके पैसे पहचान इनकी इतनी है कि हमको कोई पूछ रहा नहीं, करके हम आज यहाँ पर उनके स्कूल के सामने उपोषण को बैठ गए हमारे पैसों के वास्ते। कितनी रकम है आपकी और क्या काम करे थे आपने? हमने यहाँ फेब्रिकेशन का काम करे थे, इनके ग्रिल्स बनाए थे हमने, इनका एक स्टेयरकेस का शेड बनाए और चौकटे बनाए डोर फ्रेम सी चैनल में, और ऊपर का टेरिस का शेड बनाए थे, और ये इसमें से अपने 13.5 लाख रुपए और बचे हुआ पूरा मटेरियल इनके पास बाकी है, जिसके बिला मेरे पास है। आपका जो काम करने का जो पूरा सामान था हाँ। वो अभी अंदर है स्कूल के या नहीं? वो लेके चले गए हमने सामान, वेल्डिंग मशीन वो लेके चले गए हमने हाँ। और हमारा जो बचे हुआ मटेरियल है, विथ मटेरियल काम था ये हाँ। जो पाइप्स है, बार से जो बचे हुए मटेरियल है, 3-3.5-4 लाख रुपए का मटेरियल जो बचे हुआ है वो भी यही पड़े हुआ है, ये भी वापस नहीं दे रहे। मैंने अभी कुल रकम आपको कितनी लेनी है? मटेरियल का और ये मिला के कुछ 16 लाख रुपए बनते मेरे। क्या वजह है जो आपको पैसे नहीं दे रहे? ये वजह ये बनी थी साहब, इनसे मैं 2 लाख रुपए मांग रहा था, इनसे मैं 2 लाख रुपए मांग रहा था, जिस दिन मैं काम फाइनल मेरा एक दिन का काम बचे हुआ था, मैं इनसे 2 लाख रुपए मांग रहा था, तो ये बोले हम देते देते देते, और हमने क्या करे, जो टेम्पररी टीना डाले हुए थे वो टीना खोले, लेकिन 5 बजे के टाइम पे इतनी बारिश आ गई कि हम फेब्रिकेशन का काम वहां कर नहीं सके। हमने बोले कल आके करते काम, अब बोलो बोलो कल आके हम कल काम करते, तो उन्होंने क्या करे हमको दूसरे दिन से गेट, उस दिन से लेकर आज तक हमको गेट के अंदर भी आने नहीं दिए, और बोले तुमको कहाँ जाने का, जाओ हम देते नहीं, तुम कैसा ले सकते ले लो। बोले काम देने से पहले कुछ एग्रीमेंट भी होता है आपका? नहीं, ये बारिश में काम चालू करे थे, इमरजेंसी काम था साहब हमारे पास, उसके पूरे काम करने के टाइम के वीडियोज ये वो है, और एक कोटेशन था हमारा, कोटेशन पास हुआ था हमारा, उनको कोटेशन दिए थे हमने कि ये रेट में काम करेंगे, फिर उन्होंने रेट कम करे थे और कम करके हमने काम करे थे। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप काम शुरू कर दिया आपने हाँ। आपका काम हो रहा था, तो क्या वजह थी जो उन्होंने ऐसा आपके साथ में कुछ, आपके साथ कुछ खराब काम हुआ? हाँ, वो बोल रहे थे कि कुछ काम खराब हुआ, तो मैंने उनको बोला सर ये जो काम खराब हुआ आपको लग रहा है तो मैं आपको रिपेयर भी करके देता हूँ, दुरुस्त करके देता हूँ, और आप जैसा बोलेंगे वैसा करके देता हूँ, लेकिन मेरे इतने पैसे रोको मत, क्योंकि मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट है नहीं, मुझे उसके अंदर मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए बचेंगे, और आप अगर मेरे 15-16 लाख रुपए रोकते तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं एक साल से रिक्वेस्ट करते आ रहा और मैं सब अधिकारियों के पास भी जाता लेकिन मेरा कोई लेता नहीं साहब। पुलिस को कंप्लेन करे आपने? पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया साहब मैंने, लेकिन पुलिस स्टेशन से भी हमारी कंप्लेन लिए, मैडम से बात करे और हमको वहां से वापस कर दिए। अब मैडम का साफ तौर पे क्या कहना है? मैडम का साफ तौर का कहना यह है कि हम तुमको पैसे देते नहीं, तुम कोर्ट से जाओ, कोर्ट से लो और आओ, कोर्ट से आओ, हम देखेंगे।
और किधर जाते तो जाओ बोले हम तुम्हारे हमारे हिसाब से काम। इसके पीछे की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। नहीं साहब, हमने तो बोले हमसे अगर कुछ गलती हुई होंगी मैडम तो हमको माफ कर दो, हम माफी भी मांग रहे। उनके शौहर के पास भी गए, शौहर बोल रहे कि हमारे पास नहीं, वो मैडम के तरफ है और मैडम हमको क्रांति चौक के ऑफिस पे भेजती, फिर बोलते आनंद सर से बात करो। ऐसी हमारे को एक साल से घुमा रहे सर। क्या नाम है मैडम का? ये नसीम मैडम, बंगले वाला। ओके, और स्कूल का क्या नाम है? ये स्टेपिंग स्टोन इंग्लिश स्कूल। अच्छा, अगर पैसे आपको इनके तरफ से नहीं मिलते तो आगे क्या कदम? आगे ये कदम है, मैं यही बैठता सर, यही बैठूंगा मेरे जब तक पैसे नहीं मिले। और वैसा भी मैं बहुत परेशान हो गया और कर्जा भी हो गया, जब तक पैसे नहीं मिले यही बैठूंगा और यहाँ से जाने वाला नहीं है मैं। आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम शेख मतीन शेख कादर। आप रहवासी का के? रहमानिया कॉलोनी। आपके स्कूल के सामने जो बंदा ऑपरेशन पर बैठा है उसका साफ ही कहना है कि मैंने जो काम किया है मेरा मेहनताना मुझे नहीं दिया जा रहा है और मुझे धमकी दी जा रही है कि आप किसी को पर किसी को भी लेकर आ जाए, कोई नेता को लेकर आ जाए या कोर्ट में चले जाए, हम पैसे नहीं देने वाले। इससे आपका क्या जवाब? सर, मेरा नाम एडवोकेट बकाल है, मैं स्कूल का लीगल एडमिन हूँ एंड यहाँ पे जो भी लीगल मैटर्स होते हैं मैं हैंडल करता हूँ। एक्चुअली जब हुआ था सर, पिछले साल की बात है कि हम लोगों ने उनको काम दिया था 43 लाख के आसपास, बट उन्होंने एकदम घटिया टाइप में ये काम किया है कि बच्चों की जान भी जा सकती थी या फिर कोई टीचर खुदा ना खास्ता किसी की जान नहीं गई, इसमें हम लोग खुदा का थोड़ा सा शुक्र अदा करते हैं इसमें। लेकिन हुआ ऐसे कि जिस टाइम पे इन्होंने काम किया था इस टाइप का तो उसमें से पानी आना शुरू हो गया था और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग इनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। उन्होंने उस टाइप का काम नहीं किया जो आर्किटेक्ट ने उनको बताया था। अभी इन्होंने इतना नीचे के दर्जे का काम किया है तो बच्चों की जान जाने के लिए हमने इनका काम रोक दिया, लेकिन अब तक जितना भी उनका काम हुआ है हम लोगों ने उनका पूरा पेमेंट किया है। अभी ये ब्लैकमेल करने का काम करना है यहाँ पे, तो ये हम लोग लाइबल नहीं है, हम लोग सिविल सूट भी दाखिल कर चुके हैं इसके कोर्ट में। फोन गए। हाँ, तो उनका कहना ये है कि अभी आपके तरफ कुछ 13 या 15 लाख, आई डोंट नो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? पेमेंट उन्होंने जितना काम किया हम लोगों ने उतना पूरा पेमेंट को कर दिया है, हमारे पास कोई उनका पेमेंट पेंडिंग नहीं है। हम लोगों ने कोर्ट में भी केस दाखिल किए कि ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं हमारे लोगों, अभी ये बाहर आके पेमेंट मांगना, पुलिस को कंप्लेन करना, धमकी भरे पत्र देना, मैं आत्महत्या करूंगा, ये करूंगा, तो ये सब चाल है सर ब्लैकमेलिंग की, तो हम लोग नहीं कर सकते सर इसमें। हम लोग इनको पेमेंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। आप एक वकील होने के नाते, लीगल एडवाइजर होने के नाते, एक बंदा जब यहाँ पे आपके पास काम कर रहा है और आपको आपने उनको इतनी पेमेंट देने के बाद में आपको ब्लैकमेल करने की वजह कुछ आपको नजर आती है? सर, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन्होंने जब हमने इंस्पेक्शन किया इस चीज का तो इंस्पेक्शन में हमको ये पहचान में आ गया, हमारे सिविल इंजीनियर ने जब इंस्पेक्ट किया इसको तो इन्होंने बहुत गंदे तरीके से ये काम किया था, तो बच्चों की जान ना जाए या फिर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए घटने से रोकने के लिए हम लोगों ने इससे पहले ही इसको रोक दिया काम को, और हमने जितना मतलब उनका काम हुआ था हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने के अगरचे एक कोर्ट के बाहर अगर आप कुछ करना चाहते, मतलब उनका बोलना ये है कि अब मैं मरे दम तक यहाँ से मेरे पैसे, तो भाई जो आपने खराब काम किया था उसको आप ठीक कर दो या अच्छे? सर, ऑलरेडी हमने वो काम ऑप्शन आपने उनके सामने रखा, ऑलरेडी हमने वो काम ठीक कर लिया है। अभी हमारे और पैसा खर्चा हो चुके हैं उसमें, हम लोग अभी लायबल नहीं इनको पेमेंट करने के लिए, और अभी कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको पेमेंट देना है कि नहीं, तो लेट इट बी नाउ, उनको जो करना कर सकते हैं। हम लोग कोर्ट का नोटिस उनको इश्यू हो चुका है, हमको भी कुछ नहीं कर सकते सर हम इसमें, हम लोग कोर्ट में कर लेंगे। थैंक यू सर, बात कर रहे।